ख्वातीन व हज़रात, आज की ये तकरीब जिसका सबब और जिसकी वजह तकरीब मोहतरमा मीना खान साहिबा हैं जो आगरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। बताना ये मकसूद है कि इनसे तकरीबन कमोबेश 10 बरस से मेरे वो ताल्लुकात हैं जो उमूमन फेसबुक वालों के एक दूसरे से होते हैं, लेकिन इस 10 साल में मीना खान से मेरी कोई मुलाकात कहीं भी नहीं हुई। तो आज ये पहली मरतबा शरफ हासिल कर रहा हूँ मैं इनसे मुलाकात का बराह रास्त, और इनका इस्तकबाल करता हूँ। लखनऊ में ये आ रही थी तो इन्होंने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, मुझे फ़ोन किया कि मैं 6 दिन के लिए लखनऊ आ रही हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मुलाकात को फिर ढंग से किया जाए, मकसद था। तो इस तरह ये आप सब हजरात से मैंने गुजारिश की, सब लोग आ गए। एक तरफ से मैं सब लोगों का तारुफ पेश करता हूँ, और इसकी ये मोहतरमा मीना खान साहिबा हैं, तालियां बजा के आप इस्तकबाल कीजिए। और मोहतरमा हिना रिजवी साहिबा हैं, ये मारूफ रायबरेली साहब हैं जो इंतहाई मारूफ शख्सियत है इनकी, रायबरेली से जहमत सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। जनाब ज़िया आलवी, ये बुनियादी तौर पर खैराबाद से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी इनकी तकरीबन दिल्ली में गुजरी। ये हमदर्द में थे अभी कुछ दिन, हिमालय में थे कुछ दिन पहले, ये सुबुकदोश हुए हैं वहाँ से, और सुबुकदोशी के बाद इन्होंने जो फैसला किया वो हम सब के हक़ में बहुत अच्छा है कि ये लखनऊ में अपने आप को इन्होंने आबाद किया है। तो जब इन्होंने मुझे ये खबर दी थी तो हालांकि तकरीबन एक महीने ज़्यादा हो गया शायद, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आप लखनऊ आए हैं तो आपका इस्तकबाल वाजिब है अहले लखनऊ पर। तो मैं अहले लखनऊ की नुमाइंदगी इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ बेखुद साहब और डॉक्टर हारून रशीद जैसी शख्सियतें हैं, तो मैंने कहा कि आपका इस्तकबाल भी वाजिब है, तो इस तरह इनका भी आज इस्तकबाल लाजमी था। जनाब राम प्रकाश बेखुद एक ऐसी शख्सियत है जो जिसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो पूरी खेप है जो इनसे मुस्तफ़ीद होती है, और जाने कितनों का रहबर है अदबी तौर पर। डॉक्टर हारून रशीद साहब सामने हैं, डॉक्टर खालिद सिद्दीकी सबरहदी साहब, खालिद सिद्दीकी साहब जो हैं ये हमारे ईडन इनक्लेव में हैं, तो हमारा ईडन इनक्लेव अदबी तौर पर बड़ा ज़रखेज़ है कुछ इनकी मौजूदगी से। जनाब अख्तर हाशमी बहराइच से ताल्लुक़ है लेकिन लखनऊ में ये भी आबाद है और माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं। जनाब सुधीर बेकस, मैं सुधीर बेकस का शुक्रिया तो इसलिए नहीं अदा करूँगा कि ये मुझे अब्बू कहते हैं, तो बेटे का शुक्रिया अदा करना तो बहुत गलत बात हो जाती है, लेकिन इनको दुआएं देता हूँ तमाम तर कि ये अभी पिछले दिनों बहुत शदीद अलील हो गए थे और कई दिन ये कोमा का में रहे, तो उसके बावजूद साहब इन्होंने मोहब्बत का ये सबूत दिया है कि रायबरेली से सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका भी इस्तकबाल मोहब्बतों से करें आप लोग। जनाब खालिद हाशमी, ये अख्तर हाशमी के छोटे भाई हैं, ये दोनों मेरे भतीजे हैं, और इनकी बुनियादें जहाँ से हैं वहाँ से मेरा ताल्लुक़ बहुत गहरा रहा है। ये बहराइच से हैं तो मैं भी इनका नमक खा रहा हूँ बहुत अरसे तक, तो बहराइच से सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से जनाब इखलाक हरगामी साहब, बहुत डॉक्टर इखलाक हरगामी साहब, बहुत नफीस लहजे की, बिल्कुल इनफरादी लहजा है इनकी शायरी का, आप लोग सुनेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत तजर्बात होंगे इनकी शायरी के। इनके बगल में भी ये इखलाक है, हम लोग बाखलाक नश्त कर रहे हैं, तो ये इखलाक बशर साहब हैं, और ये भी ताल्लुक़ इनका भी हर गाँव सीतापुर से ही है। शकील गयावी साहब जो हमारे करम फरमा भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सी खसूसियात हैं इनमें, तो ये अदबी तौर पर लखनऊ में जो ज़िंदा शख्सियतें हैं मुकम्मल तौर पर और मुस्तकिल मुतहरिक शख्सियतें हैं, उनमें शकील गयावी बहुत अहमियत के हामिल है। गया इनका वतन ज़रूर है लेकिन ये इस कदर लखनवी हो चुके हैं कि गया वाले भी इनको कबूल नहीं करते आसानी से, तो बहरहाल ये बहुत अहम शख्सियत है हमारी। जनाब शाहिद जमाल फैज़ाबाद से, कई रोज़ से इत्तेफाक़ से मुझे शरफ बख्शा हुआ है इन्होंने, ये अपने बीवी बच्चों के साथ लखनऊ में हैं, तो ये जब आया इन्होंने फैसला किया कि कुछ काम था इनको, बीवी को अपने कुछ इलाज मुआलजे के सिलसिले में यहाँ पहुँचाना था, तो इन्होंने कहा कि मैं फैसला ये करता हूँ कि मैं कुछ दिन लखनऊ में रहूँगा और आपके साथ रहूँगा, तो ये कई रोज़ से मेरे साथ हैं माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारे शायर इनके बारे में जो कुछ तफसील है वो मारूफ साहब बताएँगे आपको। जनाब वक़ार काशिफ, ये निस्बत इनकी कुर्सी से है, और कुर्सी से एक ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर अलीम उस्मानी साहब की, उनके शागिर्द होने का शरफ़ इनको हासिल है, तो इस निस्बत से ये उस्मानी लिखते थे, हालांकि उस्मानी नहीं है ये,
तो डॉक्टर जनाब वक़ार काशिफ, सलमान ज़फ़र का बहुत मज़े का मामला है। सलमान ज़फ़र बच्चा है मेरा और पिहानी से ताल्लुक़ है इनका, हरदोई से। ये बच्चा जो बैठा है ये इकबाल शाहिद खुसरो, ये शाहिद जमाल का बेटा है, वो शाहिद जमाल की बेटी हैं डॉक्टर ज़ेबा जमाल। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई हैं, परसों ज्वाइन करने जा रही हैं आपकी कोर्स पे। मुनीस ज़मीर साहब पीछे बैठे हैं, बाहसियत सामे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मोइन अलवी इनकलाब में हैं और हमारे ज़िया अलवी साहब के छोटे भाई हैं, मेरे भी छोटे भाई हैं, बहुत अजीज़ बहुत ज़िंदा दिल शख्सियत है इनकी। ये भी मोहब्बतों से आई, ये शादिया फारूकी हैं जो मेरी भतीजी भी हैं। हमारे ख़ानदान में दो ही लड़कियाँ हैं सिर्फ, एक मेरी बेटी है और एक ये मेरे बड़े भाई की बेटी है, वरना हमारे यहाँ बेटियाँ उनका हैं तकरीबन। इतने लोगों का इज्तिमा है, खूबसूरत सी महफिल। मैंने ये फैसला किया कि इस्तकबाल अगर ज़िया अलवी का किया जाए तो सिर्फ ये नहीं है कि साहब उनको बहस शायर किसी नशिस्त में मदऊ कर दिया जाए, बल्कि उनके ज़ेर साया नशिस्त अगर मुनक़िद की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए तो ज़िया अलवी साहब आज की नशिस्त की सदारत फरमाएंगे। और मारूफ राय रेलवी हमेशा की तरह इस घर में या मेरे से मुझसे मुतालिक जो प्रोग्राम होता है उसकी निज़ामत करते रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा। और ये यकीनन रायबरेली से बगैर किसी गरज के, बगैर किसी माली मफाद के, हालांकि प्रोफेशनल ज़माना है ये, हर शायर अपने मफाद सोचता है, लेकिन मारूफ के बारे में खूबी यह है कि इन्होंने कभी मफाद जहन में नहीं रखा, सिर्फ मेरी मोहब्बत को इन्होंने जहन में रखा है। ये भी तशरीफ ले आए, मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, एक एक फ़र्द का इस्तकबाल। और अब मेरा ख्याल नशीर शुरू कर दी जाए। मीना खान साहिबा से उस दिन जो कन्वर्सेशन मेरा हुआ तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अपने बारे में अगर आप ऐसी कोई बात बताना चाहती हैं जो नाज़िम के काम आ जाए, मैंने जुमला इनको लिखा था, मैंने कहा जो नाज़िम के काम आ सके अगर ऐसा कुछ बताना चाहती हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो इन्होंने जवाब में मुझे ये लिखा था साहब कि ऐसा इन्होंने इजहार किया अपनी मोहब्बत का और कहा कि आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस ही है जो महफिल आरास्ता हो रही है। शेर कहा इन्होंने फिलपति, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये तसव्वुर भी नहीं था कि कभी शाम अवध, ये तसव्वुर भी नहीं था कि कभी शाम अवध यूं मेरे नाम से मंसूब भी हो सकती है। हाँ, तो ये बात करते करते शेर हुआ, इससे साबित ये हुआ कि ये परफेक्ट शायरा भी हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं किसी तरह की। तो मैंने जवाबन इनका शुक्रिया भी अदा किया था और ये चार मिसरे लिखे थे कि एक यही शाम नहीं और भी शामे मीना, एक यही शाम नहीं और भी शामे मीना, आपके नाम से मंसूब अभी होनी है, आपके नाम से मंसूब अभी होनी है, आपकी ज़ात से मांगेगा उजाला भी अदब, आपकी गज़लें तो महबूब अभी होनी है। तो ये मीना खान साहिबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अहदे पर आगरा में फायज हैं। तो शाजिया साहिबा आप तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। और तो मीना खान साहिबा को पहले साहब एक शाल आप पेश करें अपने दस्ते मुबारक से। और एक गुलदस्ता मैं ये चाहता हूँ कि जनाब राम प्रकाश बेखुद के दस्ते मुबारक से मीना खान साहिबा तक पहुँचे। तो फूलों से भी लखनऊ इस्तकबाल करें इनका, और चूंकि लखनऊ इस्तकबाल कर रहा है इसलिए राम प्रकाश बेखुद की ज़रूरत है। डॉक्टर ज़ेबा जमाल तशरीफ़ लाएँ और ये मोहतरमा हिना रिजवी को शाल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। और जनाब इकबाल शाहिद खुसरो जो शाहिद जमाल के बेटे हैं वो इनको गुलदस्ता पेश करके इनका इस्तकबाल करेंगे। मज़ीद तालियां, मज़ीद तालियां। हो गया, अब जनाब सदर का इस्तकबाल करना है। तो मैं चाहता हूँ कि खालिद सिद्दीकी सबरदी साहब अपने दस्ते मुबारक से सदर आली वक़ार को शॉल पेश करें और एक अदद गुलदस्ता जनाब शाहिद जमाल इनकी खिदमत में पेश कर दें। उनका इस्तकबाल करना है। तो जनाब मारूफ के लिए इस वक्त शॉल का जो सिलसिला है वो मैं चाहता हूँ कि मोइन अलवी आएँ और उनको शाल पहना के उनका इस्तकबाल फरमा लें।
और जनाब डॉक्टर हारून रशीद साहब इनको गुलदस्ता पेश करके करने की ज़हमत फरमाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल भी चाहता हूँ, मोहब्बतें भी देना चाहता हूँ, लेना भी चाहता हूँ, दोनों बातें हैं कि एक अगर शॉल जनाब शकील गयावी साहब, जनाब सुधीर बेकस का इस्तकबाल करें शॉल पहना। और गुलदस्ता इनको मिराल हैदर पेश करें, जनाब मिराल हैदर साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे। बहरहाल वो अब मैं चाहता हूँ कि नशीस में चूँकि बहुत वक्त हो गया है, 7 बजे का वक्त था, 1 घंटा ताखिर से सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जनाब मारूफ रायरुली अपनी जगह से उठें, यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपने निज़ामत का फरीदा अंजाम दें।